गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सरफेस केमिस्ट्री का देख रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में भी। उस दिन हम लोग लगभग एक से दो क्वेश्चन डील किए थे, आज हम लोग पूरा जितना भी टॉपिक्स होगा मतलब क्वेश्चंस होंगे उसको देखा जाएगा हम लोगों के द्वारा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। अब एक चीज़ बताना चाहेंगे उसमें कि जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रेंडलीज FRENDLY फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चीज़ बताना चाहेंगे, ये मिस हो गया था थोड़ा उस दिन उस क्लास में, आगे और चीज़ बताना चाहिए था कि एक ग्राफ बनाए थे हम, आप लोग सबको याद है। उससे पहले रिलेशन बता देते हैं क्या था कि एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1/n, यही ना था जी। ये एक रिलेशन दिया गया था फ्रेंडलीज के द्वारा, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। और यहाँ एक और चीज था कि जो 1/n का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। ओके, इस चीज को बताएं, यही है फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें x क्या है और m क्या है। m देखिए मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट है, m क्या है, मास है एडजॉर्बेंट का, तो जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा, और एक्स है कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, पी का मतलब प्रेशर। और इसी को फिर सॉल्व करते थे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटके एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू दी पावर 1/n आया था। तो इस ग्राफ में ग्राफ का प्लॉटिंग हम लोगों ने नहीं किया है, ये फ्रेंडलीज द्वारा ही ग्राफ पहले से प्रोपोज्ड ग्राफ है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा ग्राफ था, ठीक है। पहले प्रेशर इंक्रीज करने के साथ ग्राफ में भी राइज हो रहा था, और यहां प्लॉट किए थे एक्स बाय एम, और यहां क्या था, यहां प्रेशर के अकॉर्डिंग प्लॉट किया गया था एक्स बाय एम। तो देखिए ग्राफ कैसे बना, प्रोपोज्ड ग्राफ क्या था, ऐसे बढ़ रहा था, तो पहले इंक्रीज कर रहा था, यही चीज है ना। तो तीन भागों में बांटा था हम लोगों ने, एट लो प्रेशर, ये क्या है, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पर, और एक और ये क्या था, इंटरमीडिएट प्रेशर पे। और ये जो रिलेशन आया है वो इंटरमीडिएट प्रेशर के ही वजह से आया है। और ये क्या था, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर में पढ़ा था कि जब प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं तो एक्स बाय एम इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, ठीक है। लो प्रेशर में पढ़ा था कि एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी टू द पावर 1 के, हाई प्रेशर में क्या पढ़े हैं हम लोग रिलेशन x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0, और इंटरमीडिएट का ये था, इंटरमीडिएट प्रेशर का ही था ये फॉर्मूला, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। ओके, अब मान लीजिए ये जो रिलेशन आया, आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला ग्राफ समझिएगा, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे कि लो प्रेशर पे जो x बाय एम है उसका रिलेशन प्रेशर के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p का पावर 1 है, और हाई प्रेशर में पी का पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर का, जो क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है इन प्रेजेंस ऑफ कितना सरफेस, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्यों, समझ लीजिएगा। फिर से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सरफेस पहले पूरा खाली है, उसमें एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो प्रेशर, अगर प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो प्रेशर तो लो होता है, तो सरफेस पर मॉलिक्यूल बैठते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं, ठीक है। फिर बढ़ाते गए प्रेशर, फिर सरफेस पर मॉलिक्यूल बैठ रहा है, बढ़ाते गए सरफेस पर मॉलिक्यूल बैठेगा, एक समय ऐसा भी आएगा ना कि जब सरफेस खत्म हो जाए तो वो तो समय मतलब प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा था ना, तो उसी को कहेंगे हाई प्रेशर पर क्या हो जा रहा है कि x बाय m का जो रिलेशन है प्रेशर के साथ वो इंडिपेंडेंट, मतलब p टू द पावर 0 कितना होता है 1 हो जाता है, मतलब x बाय m इज इक्वल टू केवल 1 हो जाता है, मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो x बाय m इज इक्वल टू k केवल प्रोपोर्शनल के बराबर हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर का, ठीक है, जो x बाय m का रिलेशन है। ओके, अब यहां ये हम लोग कंसीडर करेंगे, ये देखेंगे कि मान लीजिए ये जो रिलेशन है इक्वेशन 1 टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या बोल रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, ये रिलेशन है। तो पहले इक्वेशन वन क्या था, जैसे इसको चेंज करिएगा, x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, ये इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा,
के इंटू पी टू द पावर वन बाय एन, यही ना है, इसी में लॉग लीजिएगा, इसको ठीक से लिख दे रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करिए। जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी का पावर वन बाय एन। अब इसमें लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग इसको वन हटा दीजिए, इसको वन मान लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉग एक्स बाय एम, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है कि लॉग के इंटू पी टू द पावर वन बाय एन, ऐसे नहीं लिखाएगा जी, ये ना लिखाएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। तो लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के, लॉग ए इंटू बी का फॉर्म है ये, तो लॉग ए प्लस बी होता है ना, लॉग के प्लस लॉग पी वन बाय एन, पी का पावर वन बाय एन। अब आपको पता है ये किसका वैल्यू है, लॉग एक्स का पावर, जैसे मान लीजिए लॉग एक्स का पावर एन होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एन लॉग एक्स लिखते हैं आप, ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप लोग, नॉर्मल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है लॉग में। तो लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाय एन लॉग पी। इसको अरेंज करते हैं, देखते हैं अरेंज करने के बाद क्या आएगा। बहुत ही सिंपल रिलेशन है, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू वन बाय एन लॉग पी प्लस लॉग के। देखिए एक रिलेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जैसे इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम, ये एम है, ये एक्स है, प्लस एम इंटू एक्स प्लस सी, सी को इंटरसेप्ट कहते हैं, एम इंटू एक्स प्लस सी, यही ना है जी। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में फिट होगा ये, देखिए इसको अगर अरेंज करेंगे अच्छे से तो एम इंटू एक्स प्लस सी, ये स्लोप है, एम क्या डिनोट करता है, स्लोप को, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये स्लोप, एम मतलब स्लोप, ये एक्स एक्सिस, और ये सी क्या है, इंटरसेप्ट है। तो एक ग्राफ बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ प्लॉट होता है किसके बीच, एक ग्राफ प्लॉट होता है किसके बीच प्लॉट होता है, लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग, ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स एक्सिस में लॉग पी होगा, तो लॉग पी लिखें, ग्राफ का प्लॉट कर रहे हैं, वाई क्या है, लॉग एक्स बाय एम, और एक्स क्या है, लॉग पी। और देखिए ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे होगा, देखिए ये सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कितना पे इंटरसेप्ट, किसको कहते हैं, वाई एक्सिस पे कितना पे कटता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इंक्रीज करिए, ग्राफ का नेचर ये होगा, ऐसे बढ़ेगा, तो ये जो है, ये जो है, यही तो है लॉग के, ये क्या है लॉग के, और ये वन बाय एन, ये क्या है एम बराबर, मतलब इस एम को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, यही ना है, यही चीज को डिस्कस करना था। ये वन बाय एन क्या है, स्लोप, कभी भी ये, और ये इतना ऊपर क्यों, देखिए इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट मतलब कट कब कितना पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो लॉग के है इंटरसेप्ट, तो यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब इतना दूरी है लॉग के का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पूरा पूरी इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या किए हम लोग, लॉग लिए दोनों साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के इंटू पी टू द पावर वन बाय एन, लॉग लिए ना पूरा में, तो लॉग ए इंटू बी कितना होता है, देखो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, पता होगा आप लोगों को, तो लॉग ए देखिए लॉग के प्लस लॉग पी टू द पावर वन बाय एन लिखे है ना, लॉग पी टू द पावर वन बाय एन। अब देखिए लॉग के तो लॉग के ही है, अब लॉग एक्स का पावर एन, जैसे मान लीजिए एक्स का पावर एन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय एन लॉग पी हो गया। अब इसी को सॉल्व किए, मतलब इसको अरेंज कर दिए हैं, तो वन बाय एन, तो ये एम एक्स वाई, ये फॉर्मूला किसके फॉर्मूला में आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन किसका होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ना जी, आप लोग पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जानते होंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, जो वाई एक्सिस को काटता है कितना दूरी पे, तो लॉग के ही वाई एक्सिस है को काट रहा है, देखिए वाई एक्सिस पे काटेगा, तो इसीलिए देखिए। और स्लोप क्या है, इसी को कहते हैं स्लोप, कितना एंगल बनाता है उसके साथ, तो इसी को वन बाय एन इज इक्वल टू एम, एम होता है, एम बराबर कितना है, वन बाय एन लॉग पी, एक्स है, लॉग पी को लिखे हैं एक्स की तरफ, और लॉग एक्स बाय एम क्या है आपका, वाई एक्सिस है। तो बस यही एक रिलेशन था, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोल देगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी के बीच रिलेशन बताइए, तो ये ग्राफ किसको बता रहा है, रिलेशन बिटवीन, ग्राफ बता रहा है रिलेशन बिटवीन लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी, ये किसका ग्राफ है, लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी का ग्राफ है, यही चीज है ना, तो इसको देखिए ध्यान से, और पढ़ चुके हैं हम लोग, देख लीजिए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में,
एक्स क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, कितना अमाउंट में गैस का एडजॉर्प्शन हुआ। एम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सॉलिड सरफेस, कितना अमाउंट में सॉलिड सरफेस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीक टू द पावर 1 बाय एन का, और इसका डेफिनेशन भी हम बताए हैं, ठीक है। तो इसी का लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, हाई प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। अगर प्रेशर हाई कीजिएगा तो एक्स बाय एम जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर का, डिपेंड ही नहीं करता, और इंटरमीडिएट प्रेशर पर ये रिलेशन निकलता है। और इसका वैल्यू होता है 0 से 1, 1 बाय एन का वैल्यू कितना होता है 0 से 1 के बीच में, और रिलेशन ही पुट करके दिखाए थे एक बार कि क्यों इतना ही के बीच में आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, हम देख लेते हैं आप लोग कितने जो क्वेश्चन है पोस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्लियरली दिख रहा है ना उधर? ये लिखे हैं log x by m versus log p, अगर आप log x by m यहाँ है, log p यहाँ है। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और चीज बताना है। पिछले क्लास में जैसे हम बताए थे, एक रिलेशन बताए होंगे, इसको रब कर रहे हैं तब तक। अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देखेंगे कि क्वेश्चंस देखते हैं क्या हो, हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। यहाँ एक रिलेशन जो हम लिखाए थे देखिएगा ध्यान से, उस दिन थोड़ा हमें लिखने में मेरे से थोड़ा, जैसे एक्स बाय एम बराबर एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू दी पावर 1 बाय एन होता है ना जी, तो ये 1 बाय एन का वैल्यू तो 0 से 1 के बीच रहता है, लेकिन यहाँ एन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये चीज को सुधार दीजिएगा, उस दिन हमने गलती से एन इज लेस देन 1 लिख दिया था, ठीक है। ये गलत है, समझ लीजिए ये 1 बाय एन नहीं है, सिर्फ एन है, ठीक है। अगर 1 बाय एन पुट करते हैं तब जरूर यही होता, 1 बाय अगर एन पुट करते हैं तब, लेकिन सिर्फ एन जो एन होता है ये किस पे, ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल 1 बाय एन और एन में अंतर है, ये एन जो है ग्रेटर देन 1 होगा, केवल इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केवल 1 बाय एन का बात करेंगे तो 1 बाय एन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होना चाहिए, और अगर एन का बात करते हैं तो एन हमेशा 1 से बड़ा होता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पूछे कि लॉग के रिलेशन क्या है लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी के बीच, तो ये लॉग जो इक्वेशन आया था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, दोनों में लॉग्स दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट राइट हैंड साइड पुट कर दीजिएगा, और एक इक्वेशन जो निकलेगा वही होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसके द्वारा आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ तो देखिए हम लोग अपने से जानते हैं, ऐसा ग्राफ होता है अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे मिले तो इंटरसेप्ट क्या होता है, कट करता है जो वाई एक्सिस को, तो ये तो हम लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, रब कर रहे हैं इसको। पिछले दिन एक क्वेश्चन समझा रहे थे कि फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बच्चों ने हमें मैसेज किया स्टूडेंट्स ने कि इससे थोड़ा समझ में नहीं आया है, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं उसको कि व्हाई फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन सा क्वेश्चन था एक बार बता देते हैं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, सबको बुक अगर होगा तो बुक तो होगा ही आप लोग के पास, बुक ओपन कीजिए, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ आप लोगों को, इन टेक्स्ट 5.2 एनसीईआरटी का पेज 127 इन टेक्स्ट 5.2 इन टेक्स्ट 5.2 व्हाई फिजिक्स ऑप्शन जो होता है फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन क्यों डिक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर से, तो फिजिक्स ऑप्शन क्या होता था, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब वीक इंटरैक्शन, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं होता था उस केस में,
तो वीक इंटरेक्शन होता था सॉलिड सरफेस और एड्सॉर्बेंट, सॉलिड सरफेस और एड्सॉर्बेंट के बीच। तो मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इसी को कहेंगे एड्सॉर्बेंट, और गैसियस मॉलिक्यूल है जो कि एड्सॉर्ब होगा सरफेस पे, तो उसको कहेंगे एड्सॉर्बेट। क्या कहेंगे? एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा जिसको इक्विलिब्रियम से शो किया गया, देखिए इक्विलिब्रियम से शो किया गया है एड्सॉर्बेट। तो ये क्या होता है? गैस बाय सॉलिड, यही ना एड्सॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, सॉलिड के सरफेस पर गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, यही ना बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होता है। और फिजिक्स ऑप्शन के केस में हीट कितना रिलीज होता है जी? 20-40 किलो जूल ऑफ हीट, किलो जूल पर मोल में हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिएगा, बोलने का मेरा मतलब यह है जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर किस साइड बढ़ रहा है। देखिए आप लोग जानते होंगे फिजिक्स ऑप्शन केस में हीट एनर्जी रिलीज होता है, बोले थे ना एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना होता है फिजिक्स ऑप्शन में? 20-40 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन केमिस्ट ऑप्शन में कितना होता था? 80-240, 80-240 हो जाता था। तो वही बोल रहे हैं, देखिए यहाँ हीट जो रिलीज हो रहा है इसी को टेम्परेचर के कंसेप्ट से समझते हैं कि कितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, और किस साइड शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर का, मतलब ये कौन सा साइड है आपको ये पता? राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता था? अकॉर्डिंग टू, यही बता रहे थे ली चैटलियस प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ली चैटलियस प्रिंसिपल होता क्या है, ली चैटलियस प्रिंसिपल होता क्या है, यही चीज बहुत कोई को नहीं पता है। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मान लीजिए कोई चेंज उसमें प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो उस चेंज को बैलेंस करने के लिए आप जो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट ला है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इधर इंक्रीज किस साइड किया है? राइट हैंड साइड। तो इस यहां चेंज आया है ना, तो इस चेंज को बैलेंस करने के लिए आप किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा। तो राइट का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। तो बोलने का मतलब कि टेम्परेचर इधर इंक्रीज हुआ है ना, मतलब बढ़ गया है ना, तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम होता है शिफ्ट करेगा किस साइड? वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि चेंज इस वजह से इधर आया है ना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ली चैटलियस प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चेंज आया है तो राइट हैंड साइड मूव कर देगा, अगर इक्विलिब्रियम में चेंज आया है राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसीलिए फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिर से बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसे नहीं बोलता था। तो इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? यहाँ बढ़ रहा था इधर घट जा रहा है। समझ में आया? ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल द, बोल सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हीट इज प्रोड्यूस्ड, टेम्परेचर हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट किधर प्रोड्यूस हो रहा है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही ना बोल रहे हैं, डायरेक्शन, डी आई आर ई सी टी आई ओ एन, डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। हेंस इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम होता है वो किधर शिफ्ट करता है? शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस क्योंकि देखिए ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो अगर चेंज प्रोड्यूस किया गया है जिधर भी, तो वो अगर चेंज प्रोड्यूस किया गया है तो उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? उल्टा हो रहा है ना, इसीलिए बोलते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हीट को ही टेम्परेचर बोल रहे हैं इस केस में, क्योंकि टेम्परेचर आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं। समझ में आया? यही चीज है। आगे देखते हैं हम लोग, था क्वेश्चन इन टेक्स्ट 5.3 कि पाउडर्ड सब्सटेंस क्या है, पाउडर्ड सब्सटेंस ज्यादा इफेक्टिव क्यों है एड्सॉर्बेंट। तो बताए थे आप लोगों को कि पाउडर्ड सब्सटेंस में जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 5.8, इन टेक्स्ट 5.8, अभी तक इन टेक्स्ट चल रहा है 5.8 कि व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रिसिपिटेट विथ वाटर, व्हाई इज इट
इसेंशियल, ऐसा जरूरी क्यों है टू वॉश द प्रिसिपिटेट, टू वॉश द प्रिसिपिटेट, पीपीटी को बोल रहे हैं प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट विथ वाटर, पानी के साथ धोने का आवश्यकता क्यों है, विथ वाटर बिफोर क्वांटिटेटिव, बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली, एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने से पहले हम लोग को क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करने का मतलब है उसके मास को मेजर करना, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्यों जरूरी होता है प्रिसिपिटेट को अच्छे से वॉश करना, तो जान लीजिए, मान लीजिए प्रिसिपिटेट है तो उसपे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर अच्छे से आप नहीं धोइएगा, वॉश नहीं कीजिएगा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें एड्सॉर्ब होगा, सरफेस पर रहेगा ना, तो उससे जो ओरिजिनल मास है उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा ना, जो ओरिजिनल मास एक्चुअल होता होगा, तो अगर आप वॉश अच्छे से नहीं करेंगे तो कुछ सरफेस पे उसका जो मास है उससे एक्स्ट्रा मास भी प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए अच्छे से धोना पड़ता है। समझ में आया, इस आज का आंसर यही होगा कि क्यों अच्छे से धोना पड़ता है, टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम द सर्फेस, कहां से, फ्रॉम द सर्फेस, फ्रॉम द सर्फेस, सर्फेस से इम्प्योरिटीज को हटाना है इसी वजह से। अब देखिए और क्या क्वेश्चन है, अब हम लोग एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। पहला है 5.1, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप लोग सबको पता है एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, ये अब एक्सरसाइज में आ गए हैं, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कौन सा है, 5.1 क्वेश्चन नंबर, एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या अंतर है, सबको पता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहां लिख रहे हैं एड्सॉर्प्शन और यहां लिख रहे हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सबको पता है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना, मतलब केवल सरफेस पर ही इस प्रोसेस को सरफेस प्रोसेस लिख देते हैं, सरफेस पर ही होता है, और यह है बल्क फिनोमेना, बताए होंगे हम पहले भी, बल्क प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मतलब सरफेस पर तो दिखेगा ही आपको वो चीज कि प्रेजेंट है, सरफेस पर बोलने का मतलब पूरे पूरी मॉलिक्यूल्स के अंदर तक चला जाता है। एग्जाम्पल दिए थे ना हम लोग गुलाब जामुन का, कि जो शुगर सिरप है चीनी का चाशनी में अगर डुबोया जाता है उसको, तो हर एक पार्ट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे इसका डेफिनेशन बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो अट्रैक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर अनदर सब्सटेंस, मतलब अट्रैक्शन भी होगा और उस पर जमा भी होगा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा पूरी, मतलब कि इसमें जो इंटरेक्शन होता है दोनों सब्सटेंस के बीच वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक दूसरे में, ठीक है, पूरे पूरी एक दूसरे में एंटर करेगा दोनों सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स। अब देखिए और क्या था इसमें पढ़े हैं, सरफेस प्रोसेस है, बल्क प्रोसेस है, यही सब पढ़े थे, और गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पढ़े थे एड्सॉर्प्शन में एक और चीज पढ़े थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हाई होता है शुरुआत में, रेट ऑफ रिएक्शन शुरुआत में हाई होता है, क्यों होता है बताए थे कि मान लीजिए सरफेस पूरा खाली है तो आप प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे एड्सॉर्प्शन का, तो तुरंत मॉलिक्यूल सरफेस पर जाकर बैठना स्टार्ट कर देता है, और एक बार सरफेस भर जाता है तो इसीलिए फिर रिएक्शन का रेट होता है कम हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई इन बिगिनिंग, यही बोल रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है पूरे प्रोसेस को दौरान जो रहता है वही रहता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान कॉन्स्टेंट रहता है, थ्रू आउट होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में, थ्रू आउट होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है एड्सॉर्प्शन में क्या बताए थे, चौक या चौक और बोर्ड, चौक या चौक बोर्ड, मतलब चौक से बोर्ड पर लिखना, इसका एग्जाम्पल तो बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग गुलाब जामुन का ही एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, या टी बिस्किट एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, टी बिस्किट ये एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, टी बिस्किट।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5.2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। तो आप लोग को पूरा बताया गया है और कॉपी में भी नोट्स हम मतलब नोट्स प्रोवाइड भी करवाए हैं, तो पता चला होगा डिफरेंस। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन क्या होता है। तो फिजिक्स ऑप्शन देखिए बताए थे ना, फिजिकल चेंज से थोड़ा रिलेशन इसका करीबी है, इसमें नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। और आप लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज मतलब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही थोड़ा रिलेट करना है बस इसी चीज को। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, यही ना होता था। और केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो रिजल्ट करता है, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसका सरफेस पर दिखता है आप वो, ठीक है। तो फिजिक्स ऑप्शन क्या है, वीक इंटरेक्शन, और केमिस्ट्री ऑप्शन क्या है, स्ट्रांग इंटरेक्शन, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है केमिस्ट्री ऑप्शन में। फिजिक्स ऑप्शन में क्या था, लो टेम्परेचर होता था फेवरेबल, केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या था, हाई टेम्परेचर फेवरेबल था। फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता था, जैसे लिख दे रहे हैं यहां पर फिजिक्स ऑप्शन, सारा चीज बताया गया है, केवल एक बार थोरो रिवीजन कर लीजिएगा टॉपिक का, आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जो डाउट होगा आप लोग फिर बताइएगा हमें मैसेज करके या कॉल करके अगर दिक्कत है तो। 5.2 डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन, तो वीक इंटरेक्शन के चलते यहां वीक इंटरेक्शन होता है इस केस में, यहां क्या होता है, स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। वीक इंटरेक्शन मतलब वंडरवाल्स फोर्स होता है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है यहां पे। यहां पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और यहां क्या है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ठीक है। और क्या था, फिजिक्स ऑप्शन में जो हीट रिलीज होता है, हीट जो रिलीज होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच रिलीज होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और यहां जो हीट रिलीज होता है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल रिलीज होता था। और क्या बताए, देखिए ये हीट है, हीट का ये एग्जांपल है, हीट एनर्जी रिलीज होता था। और उसके बाद देखिए क्या बताए थे, नो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए था, नो ईए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लगता था, कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगता था इस केस में, नो एक्टिवेशन एनर्जी, और इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी लगता था, ईए इज रिक्वायर्ड, ईए इज रिक्वायर्ड, ईए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ही होता है। और बताए थे कि इसमें देखिए फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन केमिस्ट्री ऑप्शन क्या है, यूनि मॉलिकुलर है, ये क्या था, मल्टी मॉलिकुलर लेयर, मल्टी मॉलिकुलर लेयर यह ना होता था जी। और भी बहुत सारा चीज है मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन, यहां सिर्फ यूनि मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, यही सब चीज है, और भी बहुत सारा होगा। गिव रीजन 5.2 था, ये 5.3 है, बताइए व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट, व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस is more effective as adsorbent, क्यों ऐसा होता है कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ज्यादा इफेक्टिव है एडसॉर्बेंट के रूप में, तो केवल ये लिखना है आंसर में, बिकॉज इट हैज मोर सरफेस एरिया, बस यही आंसर है, मोर सरफेस एरिया। एडसॉर्प्शन प्रोसेस में आपको पता है तीन चीज पर ही डिपेंड करता था, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन में पढ़े थे, एक सरफेस एरिया, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, ये इन्वर्सली था टेम्परेचर और एडसॉर्प्शन का प्रोसेस, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सरफेस, ये आपका जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन का प्रोसेस, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर और एडसॉर्प्शन का प्रोसेस। लेकिन अब यहाँ ये सवाल हो सकता है कि सर जब प्रेशर ज्यादा होता था तो जो x बाय m है वो तो आप बता दिए थे कि इंडिपेंडेंट है प्रेशर का, तो वहां भी एक केस बताए थे, मान लीजिए प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा समय भी आएगा कि सरफेस खत्म हो जाएगा, इसीलिए सरफेस खत्म हो जाएगा तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा x बाय m का प्रेशर के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 5.4 है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, 5.4
फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ऑफ गैस ऑन सॉलिड, गैस का सॉलिड पे। तो आपको ये पता है नंबर वन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का। नंबर टू टेम्परेचर था, टेम्परेचर भी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एड्सॉर्प्शन का। और एक थर्ड क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एड्सॉर्प्शन। यही तीन रिलेशन पढ़े थे, सरफेस एरिया बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस घटता क्यों था, बताए हैं कि मान लीजिए सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ना। टेम्परेचर का एक रिलेशन है ना जी, आपको पता होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT होता है, ठीक है। ये k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका कुछ वैल्यू आता था 1.38 × 10^(23). और ये टेम्परेचर है तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल से मोशन आता था, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस में बैठे थे वहां से भागने लगते हैं, तो इसी वजह से डिसॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5.5। व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बताए हैं आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है और फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किसको कहते हैं, ये पिछले क्लास में ही पढ़े हम लोग, तो फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ही बारे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो बस और कुछ नहीं, इतना ही बोलना है कि फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन थर्म क्या बोलता है, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय द एड्सॉर्बेंट। एक्स है क्या था, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब, और एम क्या था, किसके सॉलिड मास एड्सॉर्बेंट, कितना अमाउंट में लिए हैं आप, ठीक है, यही चीज है। फिर 5.5 देखते हैं क्या है, 5.5 सारा चीज बताया हुआ है, इसीलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है आपका, इसको रब कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का एक्टिवेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, और हाउ इज इट अचीव्ड, एड्सॉर्बेंट का एक्टिवेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एड्सॉर्बेंट क्या था, सरफेस एरिया जो प्रोवाइड करवाता था उसी को ना कहता था जी। देखिए नंबर 5.5 एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन हम लोग पोस्ट किए हैं तो, क्वेश्चन नंबर 5.56 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और इसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, इसको कैसे पाया जा सकता है, इसको और बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो सरफेस को टू मेक सरफेस अवेलेबल, टू मेक सरफेस रफ, अगर आप सरफेस को रफ कर देते हैं, टू मेक सरफेस रफ, रफ सरफेस में अगर जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। नंबर टू फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस में भी फाइनली बाय मेकिंग फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, देखिए लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, बाय मेकिंग फाइनली डिवाइडेड फाइन डिवाइडेड सब्सटेंस, मतलब उसमें जो होते हैं पोर्स ज्यादा होते हैं, इसी को कहते हैं फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस। उसके बाद देखिए 5.7 है, व्हाट रोल डस एड्सॉर्प्शन प्ले इन हेटरोजीनस कैटालिसिस, तो इसका हम लोग पढ़े हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी इन हेटरोजीनस कैटालिसिस। फिर 5.8 है कि बताइए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन। और इसमें क्या होता था, डेल्टा जी भी नेगेटिव था, डेल्टा एच भी नेगेटिव था, और डेल्टा एस भी नेगेटिव था। डेल्टा एस को क्या करते थे, सारा चीज इंट्रॉपी, तो एंट्रॉपी जो क्या होता था, निगेटिव हो जाता था। क्यों, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते थे
तो मॉलिक्यूल्स क्या होता था, पहले बैठ जाता था सरफेस पर, और उसके बाद देखिए क्या होता था। बोलने का मतलब है कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, तो सरफेस पर बैठ जा रहा है, तो अगर पूरा पूरी सरफेस अगर भर जाए, जब प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है और पूरा सरफेस बैठ भर गया है, तब बताइए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा उस केस में? उस केस में तो नहीं होगा, तो इसीलिए एंट्रोपी भी डिक्रीज किया, ये तो एडसॉर्प्शन, ये एंथैल्पी भी डिक्रीज, और उसी से डेल्टा जी भी निगेटिव आ जाता था, हम लोग डिराइव किए हैं। फिर देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन 5.9 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड 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 लिक्विड, 8 केस था ना, गैस गैस कभी भी नहीं कंबाइन करता था क्योंकि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता था। फिर इमल्सन्स के बारे बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, 5.16 डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, इमल्सन का क्या उदाहरण होता है, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। नंबर वन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर एक एग्जाम्पल है। नंबर टू वाटर इन, दोनों का एक एग्जाम्पल, दोनों को एग्जाम्पल देना है। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल होता है आपको मिल्क, बताए थे आप लोगों को, और वैनिशिंग क्रीम, क्रीम जो यूज, वैनिशिंग क्रीम, और वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल है आपका बटर और कोल्ड क्रीम, क्या बोलते हैं, कोल्ड क्रीम, ठीक है। और एक और चीज कि इमल्सन क्या होता था, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही दो क्या होता था, लिक्विड में प्रेजेंट होता था, समझ में आया। और इसका एग्जांपल एक मिल्क, और एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, डी इमल्सिफिकेशन, जिसको हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मतलब सेपरेट करना किसको, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को, ठीक है, इसी को डिस्पर्स। फिर है वॉट डू यू मीन बाई एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस, तो 5.20 हम लोग जान गए हैं, और 5.21 देखिए क्या है कि डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स का कुछ फीचर होता है, जियोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये होता है माइक्रो पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स, माइक्रो पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोले थे ना, इसमें किसका फ्रेमवर्क होता है, एल्यूमिनियम का, ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी कॉम स्ट्रक्चर, हनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है हनी कॉम स्ट्रक्चर कि जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता पे ऐसा ऐसा फॉर्मेशन हुआ रहता है, एक स्क्वायर शेप में ऐसा ऐसा फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं हनी कॉम स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जैसे ZHM5 का एग्जाम्पल दिए थे ना, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, अल्कोहल, ZSM5 क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है पेट्रोल में, अल्कोहल, ये डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, यही ना है, उससे कन्वर्ट करता है पेट्रोल में, जिसको कहते हैं गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन, गैसोलीन इसी को कहते हैं हम लोग, पेट्रोल भी कहते हैं, ZSM5 का यूज है पेट्रोल। और क्या यूज है बताए थे, बताए थे क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर बड़ा हाइड्रोकार्बन है तो उसको स्मॉल पार्ट, आइसोमेराइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उसमें भी यूज है इमल्सन का, ठीक है। फिर 5.23 देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। 5.23 इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग सारा चीज डिस्कस किए, क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, किसका मूवमेंट होता है वो, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, किधर होता है, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, किधर, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, चार्ज इलेक्ट्रोड, डायग्राम बनाए थे इसमें, किधर मूवमेंट होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स का, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोड, मान लीजिए कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है, कोलॉइड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका मूवमेंट किधर होगा, ये मूव किधर करेगा, मूव टुवर्ड्स निगेटिव, और निगेटिव क्या होता है, कैथोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, यही ना है, कैथोड कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और उसी में फिर है 5.23 था, उसी में है कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन,
कोएगुलेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन, मतलब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का बैठना, यही ना होता था कोएगुलेशन? कैसे? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय द एडिशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आप ऐड करते थे तो इसी वजह से क्या होता था, पार्टिकल्स नीचे बैठता था, नीचे बैठ जाता था आकर, इसी को कोएगुलेशन कहते थे। डायलिसिस तो पता ही है, रिमूवल ऑफ, डायलिसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता था? रिमूवल इम्प्योरिटीज का रिमूवल होता था, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का रिमूवल करते थे, इसी को डायलिसिस कहते थे। थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, कैसे? थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। एक मेम्ब्रेन का यूज किया जाता था इसमें डायलिसिस, थ्रू लिख दे रहे हैं यहां पर सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, कैसे? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन का यूज करके। इसमें क्या होता था, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन में एक परमीएबल मेम्ब्रेन से का यूज से हम लोग रिमूवल करते थे, ओके। इसमें क्रिस्टलॉइड होता था, क्रिस्टलॉइड का जो साइज होता था आपका ट्रू सॉल्यूशन के साइज के लगभग था, इसीलिए वो आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता था वो वहीं रह जाता था और सेपरेशन हो जाता था। आगे पढ़ते हैं, कमेंट वो एक्सप्लेन द टर्म्स एल्कोसोल, एरोसोल और हाइड्रोसोल। अगी फोर यूजेस ऑफ इमल्सन, इमल्सन का चार यूज बताइए। तो इमल्सन का यूज कैसा होता है, जैसे मिसल का फॉर्मेशन एक्शन ऑफ सोप होता है ना, तो सोप में क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, यही सब था। इमल्सन का यूज सोप में होता है। और एक और चीज बताना चाहेंगे, रुकिए एक बार क्वेश्चन देख ले रहे हैं। फोर यूजेस ऑफ इमल्सन, इरेज करने दीजिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम लोग एंड करेंगे आज चैप्टर, और अगले क्लास में जब हम लोग मीट करेंगे तब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। केमिकल काइनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन से डील करता है। क्या है फोर यूजेस ऑफ इमल्सन, क्वेश्चन नंबर 5.24, यूजेस ऑफ इमल्सन, यूजेस ऑफ इमल्सन का क्या इस्तेमाल है? तो एक्शन ऑफ सोप नंबर वन, एक्शन ऑफ सोप, जो सोप का काम होता है, एक्शन ऑफ सोप, सोप में आपको पता है ऐसा फॉर्मेशन होता है, ये क्या था, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसमें का मतलब जैसे सोप का फॉर्मूला होता है ना, ये C17H35COONA, ये जो क्या है, ये एल्केन पार्ट है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, और ये हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब वाटर लविंग है, ये क्या है, वाटर लविंग है, ओके। और ये किसका है, वाटर लविंग नहीं है, तो ऑयल से लव करता है, डर्ट, ऑयल या डर्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, और ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, और उसी के बाद कपड़ा जो आपको गंदगी दिखता है, हम लोग का कपड़ा में अगर ऑयल का एड्सॉर्प्शन होता है तो उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। और देखिए कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में प्रेजेंट होता है, इमल्सन का यूज होता है। ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स का मतलब होता है मरहम, ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स में यूज होता है, ठीक है, यही सब चीज़ है कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में। और भी है बहुत सारा चीज़। इमल्सन क्या था आपको पता है, मिल्क, मिल्क होता है, इमल्सन का ही यूज है ना, जो बटर आप लोग यूज़ करते हैं ये सर का है, इसी का यूज है। अब एक और क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द टर्म एल्कोसोल 5.25, एक्सप्लेन द टर्म एल्कोसोल हाइड्रोसोल, ठीक है। तो एल्कोसोल क्या होता है, पहला लिख रहे हैं एल्कोसोल, एल्कोसोल, एल्कोसोल क्या होता है, जब डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स किया जाएगा इन एल्कोहल, इन एल्कोहल, इसको कहते हैं एल्कोसोल। क्या बोल रहे हैं, जब डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स किया जाएगा किस में, एल्कोहल में, उसको कहते हैं एल्कोसोल, ओके, ठीक है। अब क्या है, एरोसोल, एरोसोल तो आपको पता ही होगा, नंबर टू एरोसोल, एरोसोल, इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, दोनों डिस्पर्स्ड फेज है, किस में सॉलिड और क्या है लिक्विड, दोनों क्या है डिस्पर्स्ड फेज है,
और दोनों किसमें डिस्पर्ज है, इन गैस, यही ना, सॉलिड को गैस में भी मिक्स करते हैं, एक बार लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं, इसे एरोसोल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एरोसोल, उसके बाद क्या है, एरोसोल, ठीक है, सॉरी एरोसोल हो गया, सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स फेज, अगर गैस में डिस्पर्सन, गैस क्या है यहाँ पे, डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ अल्कोहल क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, यही ना है। और क्या है तीसरा, हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल का मतलब वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रोसोल का मतलब क्या है, इसका मतलब एक्वस सोल है, ठीक है, एक्वस सोल, इसको कह सकते हैं ना एक्वस सोल, मतलब वाटर का प्रेजेंस है, ठीक है, वाटर का प्रेजेंस की वजह से होता है हाइड्रोसोल, ठीक है, बस यही चीज है एक्वस सोल। इतना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आज, कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं आप लोगों का। सुधांशु कुमार, रोल नंबर टॉप चेट 4 सर, ओके ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए, आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए, और जो भी आप बाकी क्वेश्चंस होगा, अगर आप लोगों को होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ओके ठीक है, थैंक यू। आज आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, और कल से हम लोग नया चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे, जिसको कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली, काइनेटिक्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसी में हम लोग केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में कंसिडर करेंगे, ओके ठीक है। तब तक आप लोग पढ़िए अच्छे से, और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है तो उसके लिए सोचना नहीं है, एग्जाम होगा, जब भी होगा तो केवल आप लोगों को कंटिन्यूस पढ़ाई करना है, ओके ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।